नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी त्रिपाठी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं लर्न फ्लूट सीरीज में। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम फ्लूट को कैसे होल्ड करें और उसको कैसे पकड़ के बजाएं। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि फ्लूट को ब्लो कैसे करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभ्यास कर रहे होंगे। एक बार सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको पुनः बता दूं कि इसको ब्लो कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है। अगर जो लोग अभी तुरंत अभ्यास करना शुरू किए हैं तो बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा कि फ्लूट, कोई भी स्केल का फ्लूट आप ले लें और उस स्केल, जो भी फ्लूट आप लें उसका जो ब्लोइंग होल है, जो पॉइंट है, उसको आपके जो बॉटम लिप्स है, उसके जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे आपको, अगर आप लोकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मिरर के सामने खड़े हो सकते हैं या फिर आप खुद से सेंटर में रख के इसको देख सकते हैं। जहाँ पे आप जब ब्लो करें तो उससे आवाज, जो हवा है, वो इस होल के अंदर जाए और उससे आवाज प्रोड्यूस हो। तो अब फूकने का भी जो अंदाज है वो आपका कुछ अलग नहीं होना चाहिए। नॉर्मल, जैसे बहुत लोग मुंह फुला लेंगे, ऐसे नहीं करना है। मेनली क्या करना है कि अपने इन होठों को अपने मसल, जो टीथ के मसल्स हैं, उनके ऊपर फैलाना है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सिंपल। तो ये क्या हो गया, ये फैलने से हवा इधर उधर से नहीं निकलेगी। तो जैसे देखिए, तो मैंने केवल अपने होठों को थोड़ा सा फैलाया और इसके बाद आप देख रहे हैं कि हवा केवल वहीं से निकल रही है और वहीं पे हमको भेजना है जहां से कि हमको आवाज प्रोड्यूस करानी है। अगर हम ऐसे हवा फूकेंगे तो ये जो ब्लोइंग पॉइंट का होल है उसमें हवा नहीं जाएगी और आवाज नहीं निकलेगी। अब दूसरा, जो बांसुरी बजाने के क्रम में जो सबसे मेन पॉइंट है कि बांसुरी को हम होल्ड कैसे करें। तो आप जैसे देख सकते हैं कि बांसुरी के जो डाउन पार्ट में 3 छेद हैं और अपर पोर्शन में 3 छेद हैं, यानी टोटल 6 होल हैं यहाँ पे। देर आर टोटल 6 होल्स एंड वी हैव टू कवर दिस होल्स व्हेन वी आर प्लेइंग। सो अकॉर्डिंगली वी विल प्ले द नोट्स। जो भी गाना बजाना है या हमको कोई राग बजाना है या अगर हमको क्लासिकल बजाना, कुछ भी बजाना है, तो उसके लिए जो नोटेशंस होंगे उसके अनुसार हम इन होल्स को बंद करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम बांसुरी को पकड़े कैसे। तो जैसे मैं राइट हैंड से बांसुरी प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो बांसुरी का जो अपर पोर्शन है, ये मैं बाएं हाथ से इसको बंद कर रहा हूँ। तो बाएं हाथ से बंद करने में आप देख रहे हैं कि हमको स्ट्रिप से इस होल को नहीं बंद करना है। बहुत लोग अभ्यास करते समय क्या करते हैं कि स्ट्रिप से बांसुरी को बंद करते हैं और फिर बजाने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जब आप बांसुरी को जैसे फास्ट बजाना चाहेंगे तो आपकी उंगलियां जो है मूव नहीं करेंगी और आप सुर नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें बांसुरी को सबसे पहले क्या करना है कि ये जो आपका अंगूठा है, ये वाला अंगूठा, इसको 3 जो होल हैं उसके ठीक ऊपर, यहाँ ठीक ऊपर, जहां पे कि आपकी उंगलियां एडजस्ट कर सके, और जो दाहिना आपका अंगूठा है वो ये 3 जो होल हैं इसके ठीक ऊपर। अब ये जो बांसुरी का, देखिए, ये बैलेंस बन गया और ये कानी उंगली से, ये जो ये उंगली है, इससे आप बांसुरी का बैलेंस बना सकते हैं। तो ये देखिए, आपके इधर की 3 उंगलियां, 4 उंगलियां और इधर की 3 उंगलियां फ्री हो गई।
तो आपका बैलेंस बन गया। अब इसके बाद हमको ये जो होल है इस तरह से कवर करना है ताकि हमारा जो बैलेंस, और ये देखिए इस तरह से कवर करना है कि अंगूठे का और ऊपर दोनों का बैलेंस इजीली बने, ताकि हम कोई भी होल खोले या बंद करें तो हमारी बांसुरी गिरे नहीं, बैलेंस उसका बना रहे। तो जनरली जो आपकी ये वाली उंगली है उसका जो पहला होल है उसका यहाँ पे मिडिल में आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। फिर अगर हम इस फिंगर की बात करें तो ये लगभग बीच यहाँ पे आपका पॉइंट पे इस वाले होल पे आएगा, और लास्ट जो है, लास्ट ये जो ये वाला पॉइंट है ये, तो इस फिंगर से इसको बंद करना है तो वो आपके टिप पे आएगा। तो ये देखिए मेरा अंगूठा, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ये देखिए, आपको क्लियर नहीं होगा, समझने का प्रयास करिए। देखिए मेरा थंब नीचे है, ये मेरी पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, और इसके बाद ये तीसरी उंगली। तो ये मेरा इधर का कवर हो गया हो। तो अब मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं कोई भी होल ओपन या क्लोज करता हूं तो मेरा बांसुरी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होता। ये देखिए उसी तरीके से ये जो राइट थंब है, जो मेरा दाहिना अंगूठे का थंब है, ये मैंने तीन होल के नीचे रखा हुआ है, और इसके बाद मैंने इसको ठीक जहां पे मेरी उंगलियां पड़ रही हैं। तो जनरली ये आपके सारे जितनी भी उंगलियां हैं उनके बीच में ये तीनों होल बंद होंगे, क्योंकि ये बैलेंस बनाने के क्रम में ये तीनों एक साथ सामने गिरती हैं उंगलियां, तो इसको हम ऐसे पकड़ते हैं। और ये कानी उंगली जो लिटिल फिंगर है इसको हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं ताकि जब ये हम उठाएं तो हमारी बांसुरी गिरे ना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम प बजाते हैं तो प बजाने के क्रम में हमारी छह होल खुल जाते हैं। सॉरी नॉट प, म, तीव्र म जब हम बजाते हैं तो उस केस में, और जब प बजाते हैं तो सारे होल्स बंद हो जाते हैं। तो उस केस में हमको थोड़ा सा कानी उंगली जो लिटिल फिंगर है उसकी मदद लेनी पड़ती है। तो अब आप को मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि बांसुरी पकड़ने के लिए जो ब्लोइंग पॉइंट के आगे के जो छेद हैं, मैं राइट हैंड से बांसुरी पकड़ता हूं, तो ये देखिए, तो ये जो है हमने ये पहला होल, ये दूसरा होल, ये तीसरा होल मैंने बाएं हाथ से बंद कर लिया, बाएं हाथ की उंगलियों से, और ये दाएं हाथ की उंगलियों से मैंने इसको ऐसे बंद कर लिया, और ये मेरी लिटिल फिंगर जो है वो सपोर्ट के लिए यहाँ पे। तो अब आप देखिए मेरा अंगूठा, ये जो बाएं हाथ का अंगूठा है वो सपोर्ट में नीचे लगा हुआ है, दाएं हाथ का अंगूठा भी सपोर्ट में नीचे लगा हुआ है, और ये मेरा ब्लोइंग पॉइंट। तो जब भी आप बजाएंगे तो आपकी उंगली देखिए ऐसे, ये देखिए मेरा बैलेंस बना हुआ है। अब अगर मुझे ब्लो करना है, देखिए मेरी ये लिटिल फिंगर जो दाहिने हाथ की लिटिल फिंगर और दोनों थंब के माध्यम से मैं बांसुरी को पकड़े हुए हूं और ब्लो कर रहा हूं, तो ये आपका इस तरीके से हम बांसुरी को पकड़ते हैं और बजाने का अभ्यास करते हैं। तो हमें दो चीजों पे ध्यान देना है जो बिगनर्स हैं, बांसुरी अभी सीखने के क्रम में बिगनर्स हैं। पहला कि ये बांसुरी को आप होल्ड करना एक साथ शुरू करें, और होल्ड करते ही आप ब्लो भी करें, और ब्लो करते समय ये ध्यान देना है कि आपकी जो सांस है वो आप उतना ही भरें जिससे आपको फूकने में कोई तकलीफ ना हो, और फूकने के क्रम में एक साथ हवा नहीं छोड़नी है, जैसे नॉट लाइक दिस, धीरे धीरे हवा को छोड़ें, जैसे
जितना देर तक आप एक सांस में सुर निकालने का प्रयास करेंगे, आप कोई भी गाना या कोई भी क्लासिकल राग या कोई कुछ भी बजाएंगे तो आपको बांसुरी बजाने में कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए प्रयास करें कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो कम से कम एक बार में 30 सेकंड का अभ्यास करें। पहले 10 सेकंड से शुरू करें, जैसे आप लंबी सांस ले लें तो जब भी आप थकें या अब आपको लगता है कि मुझे सांस ब्रीद इन करना चाहिए तो धीरे से आप तो ये अभ्यास आपका इतना होना चाहिए कि एक बार में कम से कम 30 सेकंड तक आप होल्ड करके बांसुरी में बजा सके। तो अगर इतना आप कर पाते हैं 30 से 40 सेकंड तक तो आप बहुत अच्छी बांसुरी बजाने में सफल हो जाएंगे और आपको बजाने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो इस सेशन में मैंने दो चीजें आपको बताई कि बांसुरी में ब्लो कैसे करना है और बांसुरी को होल्ड कैसे करना है। अगले सेशन में हम देखेंगे कि ये जो हमारे 6 होल्स हैं ये किसके लिए दिए गए हैं और इनको कैसे प्रयोग में ले आना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए और बांसुरी सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में।